सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है मीशो एप्लीकेशन पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और स्टेप वाइज आपको बताने वाला हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही वीडियो देखकर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए और लेके चलते हैं सीधे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। सो गाइज, मीशो एप्लीकेशन पर एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मेल को सिलेक्ट कर लेना है या फिर फीमेल को, आप अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर मेल को इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है नीचे में अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ऊपर में आपको साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर शो होने लगेगा जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। अगर आप इसी नंबर से बनाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर से बना सकते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव पे टैप करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। अब सेंड ओटीपी पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 6 डिजिट का एक के ओटीपी आया है। अब देखिए ये पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया है क्योंकि यही नंबर मेरे मोबाइल में अवेलेबल था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीशो यूज़र, इस वाले ऑप्शन पे आप जाकर यहाँ पर अपना डीपी को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है एडिट प्रोफाइल वाले जब ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर वो सारे डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप अपना डीपी जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर डीपी को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आ रहा है तो अलाउ वाले ऑप्शन पर अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए इस वाले फोटो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगा लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं फुल नेम है, तो यहाँ पर अपना नेम यहाँ पर टैप कर लेंगे। मैंने अपना अहमर नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। देन नीचे में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी। तो आप चाहें तो ईमेल आईडी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी इस तरह से यहाँ पर दे लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लिया है। नीचे में आप जेंडर का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर लैंग्वेज स्पोकन, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पर इस तरह से टैप मैंने कर लिया है। नीचे में ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आएंगे तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो भी आप रहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे में यहाँ पर अबाउट मी का ऑप्शन आएगा, तो अपने बारे में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूट्यूबर, इस तरह से मैंने यूट्यूबर लिख लिया है। देन उसके बाद नीचे में जब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर माई बिजनेस नेम, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अहमर, पूरा नाम अपना लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम पूरा लिख लिया अहमर हाशमी। देन यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड आपको डालना है, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पिन कोड अपना डाल लिया है। देन सिटी का ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन नीचे में स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो स्टेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और बिहार को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अदर इन्फो पे आप जाके बहुत सारा अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर नीचे में आप देखेंगे तो मटेरियल स्टेट का ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन में सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं या फिर जो भी हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन उतने नीड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अपने नंबर कीड, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेटिंग वाले भी ऑप्शन पर आएंगे, तो ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ
यहाँ पर यही था प्राइमरी वाला ही जो मेन था जो एडिट मैंने किया है वही इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, 30 वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे सेव वाले पे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा गया है, मतलब कि आपका अकाउंट जो है मीशो एप्लीकेशन पर बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसके आप होम पेज पर आपको ले कर चलते हैं। यहाँ पर होम पेज आप देख पा रहे हैं ऊपर में मेरा नाम आ गया है और यहाँ पर आप सर्च कर जो भी सामान को यहाँ पर मंगाना चाहते हैं उस सामान को यहाँ पर आसानी से यहाँ पर या सर्च कर सकते हैं। सो इस तरह से आप जो है मीशो एप्लीकेशन पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। सो गाइस अगर इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।